पहलवाने की अगर भाषा में इसको समझें तो आपको क्या लगता है कि अभी पहलवान जोर पर है कि सरकार जोर पर है? जो समर्थक हैं पहलवानों के, जिन लोगों ने लगातार आंदोलन में भागीदारी की, उनके मन में संदेह पैदा हुआ है। बहुत सारे आलोचक ये कहने लगे हैं कि पहलवान बिक गए हैं, पहलवान झुक गए हैं, पहलवान डर गए। सवाल यह है कि अपने सामने वाले को चित करने वाले पहलवान आखिरकार सरकार से इस कदर समय ले रहे हैं, वह कोई रणनीति है या पीछे है? नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। आज दिल्ली में संघर्षरत पहलवानों की बातचीत का आखिरी राउंड था, या कहें कि फाइनल राउंड था, और माना जा रहा था कि महिला पहलवान जो भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रही हैं, आज कुछ न कुछ हल निकलेगा, कोई न कोई परिणाम आएगा। लेकिन परिणाम के तौर पर तो कुछ नहीं आया है। अलबत्ता पहलवानों से जुड़े उस संघर्ष में शामिल बजरंग पुनिया ने कहा है कि 15 तारीख तक पहलवान कोई आंदोलन नहीं करेंगे और उसके बाद सरकार कोई ना कोई निर्णय इस बीच लेगी। ऐसे में जो समर्थक हैं पहलवानों के, जिन लोगों ने लगातार आंदोलन में भागीदारी की, उनके मन में संदेह पैदा हो रहे। बहुत सारे आलोचक ये कहने लगे हैं कि पहलवान बिक गए हैं, पहलवान झुक गए हैं, पहलवान डर गए। सवाल यह है कि अपने सामने वाले को चित करने वाले पहलवान आखिरकार सरकार से इस कदर समय ले रहे हैं, वह कोई रणनीति है या पीछे हटना? इस बात को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान और वरिष्ठ पत्रकार जगदीप सिंह सिंधु है। वह हरियाणा से हैं, पहलवानों की राजनीति जानते हैं, वहां लगातार जो पहलवानों का आंदोलन चल रहा है उस पर बारीक निगाह भी रखे। जगदीप जी, आपका स्वागत है जनज्वार में। और सबसे पहला सवाल आपसे यही कि वाकई पहलवान वही खड़े हैं, पीछे हटे हैं, बिक गए हैं, डर गए हैं, या सच क्या है? देखिए अजय जी, हर तरह की बातें लोग कहने लगे हैं, लेकिन पहलवान ना बिके हैं, ना डरे हैं, ना झुके हैं, इन्होंने अपना आंदोलन किया, ना पीछे हटे हैं। और इन्होंने अपना आंदोलन जिस उद्देश्य को लेकर शुरू किया था, वो उद्देश्य बृजभूषण शरण सिंह, जिसने यौन शोषण के जिसपे आरोप हैं उसकी गिरफ्तारी से संबंधित है, और कुछ अन्य मांगे इसके बाद की हैं, इसके साथ ही जुड़ी हुई थी, उनके लिए इनका आंदोलन, इनका अपना विरोध प्रदर्शन रहा और इनका संघर्ष रहा। ये जरूर है कि जब कोई भी संघर्ष होता है, विरोध प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध होता है, उसके खिलाफ होता है, तो कहीं ना कहीं बातचीत का सिलसिला या कोई रास्ता, कोई समाधान निकालने के लिए किया जाता है सरकार के द्वारा। तो पहलवानों ने एक तरह से सरकार का रुख जानने के लिए, क्योंकि अभी तक सरकार का जो रुख था, जब इन्होंने शिकायत की तब पुलिस की, प्रशासन की कार्रवाई नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इनकी FIR दर्ज हो पाई, उसके बाद भी कार्रवाई उस गति से ना होती देख फिर प्रदर्शन पे आए, और बहुत सी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। तो उस प्रकार अगर अपन देखें तो पहलवानों का ये एक बातचीत का सिलसिला या एक चैनल खोलना और एक सरकार के पक्ष को, रुख को समझना, और ये इसी तरह देखा जाना चाहिए। और जो समर्थन लोगों ने दिया है वो पहलवानों को समर्थन नहीं था, वो समर्थन है अन्याय के खिलाफ। जो अन्याय बेटियों पे किया गया उसके लिए मुझे लगता है कि समाज का समर्थन, विभिन्न वर्गों का समर्थन वहां था। पहलवान उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो आगे सामने आके ये एक उन्होंने बीड़ा उठाया, लेकिन समाज में आप देखिए कि किस प्रकार की घटनाएं होती हैं। जगदीप जी, ये बात एकदम ठीक है और जायज भी है, और इसी स्पिरिट को संभवतः देश देख भी रहा होगा कि एक नया चैनल खोला है पहलवानों ने। लेकिन जिस तरह से लगातार जंतर मंतर पर संघर्ष चल रहा था, लोग साथ थे, भागीदारी में थे, उसमें हल्का सा एक गैप दिख रहा है लोगों को, जिसकी वजह से अविश्वास हो रहा है। क्या इस अविश्वास की जमीन बिल्कुल आधारहीन है, एकदम कोई मतलब नहीं है, बजाय कि एकदम पहलवान सही रास्ते पर है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, विश्वास मुझे यह लगता है कि जिन लोगों ने समर्थन दिया है, समर्थन वो पहलवानों के उद्देश्य को दे रहे हैं, तो ऐसा अविश्वास होना निराधार है।
और दूसरी बात यह है कि पहलवानों ने जितनी भी बातें की हैं, जो धरना प्रदर्शन पे रहे हैं, जब भी लोग मिले हैं उनसे, उन्होंने ये वस्तु स्थिति को अवगत कराते रहे हैं और वो आगे भी कराएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और आज बजरंग पूनिया ने अपने साक्षात्कार में जो उन्होंने एनडीटीवी को दिया है, उसमें तुरंत बताया भी है, जब वो बाहर निकले थे अनुराग ठाकुर से, खेल मंत्री से मिलके, तो मुझे लगता है कि ये अपनी तरफ से स्पष्ट हैं। और जहां तक दूसरे वर्गों का सवाल है, या जो किसान जथेबंदियां या सामाजिक संगठन या समर्थक उनके साथ रहे, तो ऐसा निश्चित नहीं है कि हर वक्त हर पल एक चीज की जाए। आपने देखा होगा कि जब वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जंतर मंतर पे थे, तो हर शाम 4 बजे के करीब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे दिन की गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी देते थे। अभी शायद हो सकता है कि इन लोगों के पास वैसा कुछ ऐसा प्रबंध ना हो कि हर शाम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें और लोगों को उस गतिविधियों की जानकारी दे सकें। तो मुझे लगता है कि उनका उद्देश्य जो है, जिस उद्देश्य के लिए वो काम कर रहे हैं, शायद वो अपने उस काम के लेकिन और उद्देश्य आपको में। जैसे वजह क्या है, जैसे आपको नहीं लगता कि जंतर मंतर पर बैठे थे, फिर एक संघर्ष की प्रक्रिया में उन्हें उठना पड़ा, प्रदर्शन करना था नए संसद भवन के सामने अपने पक्ष में, फिर अंततः सरकार उठा देने में उन्हें सफल हुई। अब बजाय कि उनसे अनुराग ठाकुर मिलते, इन्हें जाकर मिलना पड़ रहा है। एक तो यह देखा जा रहा है कि आंदोलन, अब जो आंदोलन सड़क पर था वो आंदोलन अब कमरे पर चला गया, इसको रणनीति का हिस्सा आप बता रहे हैं, यही से विश्वास लौट रहा है। पर सवाल यह बन रहा है कि क्या जो 15 तारीख की डेट है, वह अगर मान लीजिए सरकार बात नहीं मानती है, सरकार 3 ही मांगे हैं जैसा कि आप कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी मांग है गिरफ्तारी की, तो अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर क्या ये जंतर मंतर पर बैठ जाएंगे? ऐसा कोई इंडिकेशन पहलवान देते हुए तो नहीं दिख रहे। जी देखिए, आज बजरंग पूनिया ने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा है कि सरकार ने हमसे समय मांगा है और सरकार ने आश्वासन दिया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि 15 तारीख तक हम कोई प्रदर्शन और आंदोलन को आगे ना बढ़ाएं, जब तक सरकार अपनी पूरी कार्रवाई कर ले। और जो कानून है, वो उन्होंने आश्वासन सरकार ने दिया है, जो बजरंग पूनिया ने बताया है कि सरकार की तरफ से ऐसा कहा गया है कि पुलिसिया कार्रवाई जो भी है वो पूरी तरह से निष्पक्ष होगी और उसमें जब जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। इसलिए 15 तारीख तक का समय उन्होंने, सरकार ने मांगा है। और ये देखिए कि यहाँ सरकार ने समय मांगा है इन पहलवानों से या इन आंदोलनकारियों से, है ना, और उसको रोका गया है 15 तारीख तक। और उसमें बजरंग पूनिया स्पष्ट कहते हुए दिख रहे हैं कि हम 15 तारीख तक ऐसा प्रदर्शन कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती तो हम नई रणनीति अपनी अपनाएंगे। ये चलिए, उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट कहा एक है। उम्मीद संघर्ष की बढ़ती है। पहलवानी की अगर भाषा में इसको समझें तो आपको क्या लगता है कि अभी पहलवान जोर पर है कि सरकार जोर पर है? सरकार कुछ कदम पीछे हटती हुई दिख तो रही है, कम से कम बातचीत के लिए बुलाया है। जी देखिए, बात यहाँ पीछे आगे की नहीं है, बात यहाँ एक उद्देश्य को हासिल करने की है। और ये उद्देश्य एक व्यापक उद्देश्य है, ये कोई एक जाति या किसी प्रदेश तक सीमित नहीं है। ये अगर आप देखेंगे तो जो अन्याय हुआ है किसी एक व्यक्ति के द्वारा, जो बाहुबली है, जो गुंडा है, जो घृणित मानसिकता का है और जिसको एक अधिकार की पद मिला हुआ था, तो ये बेटियां जो हैं, ये बेटियां सभी समाज की सांझी बेटियां हैं, और उनके प्रति जो व्यवहार उस व्यक्ति का रहा, ये उसके लिए न्याय की लड़ाई है। और यहाँ मुझे लगता है कि ये लड़ाई में जो देखिए, कोई भी संघर्ष होता है तो उसमें बहुत सी चीजें और बहुत से मोड़ आते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है, मेरा यह मानना है कि ये यहीं तक नहीं थमेगा, जब तक ये पूर्ण न्याय नहीं हो जाता, तब तक शायद ये पहलवान अपने उद्देश्य को लेके अति गंभीर हैं। देखिए, आप लोगों के सामने बहुत सी खबरें आई होंगी कि साक्षी मलिक ने या पहलवानों ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। 3 दिन पहले ये खबरें चली थी, एक दो दिन पहले और भी खबर चली थी कि उस बेटी ने बयान वापिस ले लिया है जो नाबालिग है।
जी उसी वक्त रात में, बहुत देर रात में मेरे पास ये सूचना आई और उन्होंने कहा कि ये इसको कंफर्म करिएगा कि क्या हुआ है। उस नाबालिग बच्ची के पिता से मेरी संवाद हुआ और उस संवाद में उन्होंने मुझे स्पष्ट तौर पर बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, कि हमने कोई कंप्लेंट वापस नहीं ली है। तो बहुत सी तरह की भ्रांतियां मतलब फैलाई जाती आंदोलन को हैं। तोड़ने फोड़ने की तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये पहलवान अपने जो है दांव पर टिके हुए हैं और इस पर अपने भरोसा किया उद्देश्य जा पे सकता है, और किसी भी तरह से इस गलतफहमी में जाने की जरूरत नहीं है कि पहलवान पीछे हटे हैं, डरे हैं, झुके हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो डरे हैं या झुके हैं या पीछे हटे हैं। देखिए, इतवार को, रविवार को सोनीपत के मुढ़लाना में एक पंचायत थी और उस पंचायत में जंग चौधरी भी थे, चंद्रशेखर भी थे, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक मलिक भी भी थे। थे और ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी थे। तो जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी वहां मंच से बोलने लगे कि आज आर पार की लड़ाई है, आज आर पार का कोई निर्णय लेना होगा और आप सभी लोग मिलके आज निर्णय लीजिए, तब बजरंग पूनिया ने वहां रोक के कहा था कि अलग अलग पंचायतों और अलग आपके समर्थन हमारे लिए आवश्यक हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी पंचायत अलग अलग तरीके से इस प्रकार के निर्णय ना ले और सभी लोग सामूहिक रूप से एक जगह बैठ के हम निर्णय करें। और उसके लिए उन्होंने कहा था कि हम एक जल्द ही एक तारीख तय कर देंगे, 3-4 दिन में आपको बता देंगे उस जगह का और तारीख के लिए, जहां सभी समाज के संगठन वर्ग और सभी लोग, सभी समर्थक एक जगह बैठ के एक कोई निर्णय कर लें। तो उसी की कड़ी में आगे एकदम से ये डेवलपमेंट हुई, क्योंकि इनकी इनकी चर्चा के लिए बहुत से लोग इसमें लगे हुए थे, जिसमें हरियाणा के एक सांसद हैं, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सरकार के कुछ उच्च अधिकारी हैं। और जिस तरह से ये इनको बुलाया गया कि आइए टेबल पे बैठिए, बात कीजिए, तो उसमें सरकार की तरफ से ही पहल ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि जो पहलवान हैं इनका अपना जो गंभीरता है अपने उद्देश्य के लिए और इनकी जो साख है अभी तक मेरे हिसाब से और मेरे मानने, मेरे देखने में वो इंटैक्ट है, वो वैसे ही है जैसे ये पहले दिन से अपने उद्देश्य को लेकर चले थे। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। कहते हैं लड़ाई कभी सीधी दिशा में नहीं चलती, वह अक्सर सर्पिलाकार चलती है। संभवतः पहलवान इसी रणनीति पर है, वह झुके नहीं है, सरकार ने बुलाया तो बातचीत करने गए हैं। तो इसलिए हमने आज बात की जगदीप सिंह सिंधु से, हमने आपसे कहा कि वह पहलवानों को जानते हैं, उनके बीच उठते बैठते हैं। तो उन्होंने बताया कि समर्थकों को घबराने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि संघर्ष की एक रणनीति के मुकाम पर पहलवान पहुंच चुके हैं और 15 की वह तारीख सुनिश्चित है कि या फिर सरकार बृजभूषण को गिरफ्तार करेगी और नहीं तो पहलवान फिर एक बार सड़कों पर उतरेंगे। खैर, देखना आगे होगा, लेकिन भरोसा बनाए रखना चाहिए क्योंकि संघर्ष का सवाल बड़ा है। और सबसे बड़ी बात जो बार बार जगदीप कह रहे थे कि जो उनका उद्देश्य है, ये बेटियों का सवाल है, शोषण का सवाल है, ऐसे में निराश नहीं होना चाहिए, संघर्ष को फिर एक बार आगे बढ़ने की उम्मीद है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। जनज्वार, जनता की मीडिया।